ये पुरानी मोबाइल बैटरी है, इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं BL270। ये 4000 mAh की बैटरी है। इसकी अगर पिन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ P माइनस और नीचे की तरफ P प्लस लिखा हुआ है। इस पिन को हम कट करके हटा लेंगे। अब इसके ऊपर के प्लास्टिक के कवर को हम सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से हटा देंगे। जिसके बाद आपको कॉपर की कुछ पिंस देखने को मिलेंगी, जो कि कुछ इस तरह की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव पिन है। अब हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मीटर को हमने 20 वोल्ट DC पर सेट किया है। इसकी वोल्टेज 4.30 वोल्ट आ रही है। अब हम एक 5 वोल्ट का चार्जिंग मॉड्यूल लेंगे। इस पर आप देख सकते हैं एक तरफ B प्लस और दूसरी तरफ B माइनस लिखा हुआ होता है। ये दोनों तरफ मेंशन किया होता है। आप किसी भी तरफ इसकी वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हम इस तरफ वायर्स को कनेक्ट करेंगे। मॉड्यूल और बैटरी को कनेक्ट करने के लिए हम इस तरह की दो वायर्स लेंगे। रेड वायर को हम बी प्लस वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। ब्लैक वायर को हम बी माइनस वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये दोनों वायर्स कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हम इन दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। रेड वायर को इस पॉइंट पर और ब्लैक वायर को इस नेगेटिव पॉइंट पर। अब बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल कनेक्ट हो चुके हैं। हम पावर बैंक की थिकनेस को कम रखने के लिए इस USB पोर्ट को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पर हम डायरेक्ट USB वायर को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे हटा लेते हैं। यहाँ पर हमें चार पॉइंट देखने को मिलेंगे। G जो कि ग्राउंड वाला पॉइंट है, D प्लस और D माइनस डाटा के लिए और V प्लस 5 वोल्ट के लिए। अब हम इस तरह की एक USB केबल लेंगे और इसे कट कर लेंगे। मैंने केबल को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें दो वायर्स हैं, एक ब्लैक और एक रेड। इस ब्लैक वायर को हम ग्राउंड वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। और रेड वायर को V वाले पॉइंट पर, जो कि प्लस 5 वोल्ट का पॉइंट है। ये केबल हमारी कनेक्ट हो चुकी है। अब हम मोबाइल का बैक कवर लेंगे। इसकी बैक साइड पर हम बैटरी को और मॉड्यूल को पेस्ट करेंगे, जिसके लिए हम ग्लू गन का यूज करेंगे। बैटरी फिक्स हो गई है। अब हम मॉड्यूल को भी यहाँ पर फिक्स करेंगे।
मॉड्यूल भी यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अब हम इसकी वायर्स को यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर देंगे। अब हमारा पावर बैंक तैयार हो चुका है। अब इसे मोबाइल पर लगाकर देखते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। आप चाहें तो इसे कवर भी कर सकते हैं। अब इसे यूज करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग हो रही है। जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर आपको रेड लाइट देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कितना पतला पावर बैंक है ये। इसे आप फोन के साथ कनेक्ट करके और फोन को इजीली यूज कर सकते हैं। आप पावर बैंक की चार्जिंग करके देख लेते हैं। इसे आप अपने मोबाइल के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।